मोदी कैबिनेट का आज शाम तक विस्तार हो जाएगा। मंत्रिमंडल विस्तार में सबसे महत्वपूर्ण नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया। सिंधिया के शपथ ग्रहण में मध्य प्रदेश से कई मंत्री दिल्ली पहुंचेंगे। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर इनमें से एक है। बंसल न्यूज से बातचीत में ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सिंधिया के मंत्री बनने से प्रदेश को फायदा होगा। प्रद्युम्न सिंह तोमर से खास बात की संवाददाता जुगल किशोर शर्मा ने। मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया आज केंद्रीय मंत्रिमंडल में शपथ लेंगे और शपथ के लिए मध्य प्रदेश से कई नेता कई मंत्री दिल्ली पहुंच रहे हैं। उसी में शामिल है हमारे साथ प्रद्युम्न सिंह तोमर शामिल हैं। सर, सबसे पहला सवाल, दिल्ली कब रवाना हो रहे हैं? वो कितनी खुशी की बात है कि आज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी केंद्र में मंत्री बन रहे हैं? बहुत खुशी है। श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा साहब, माननीय अमित शाह और संघ के लोग, जो संभावित सूची है जैसा आप प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चल रहा है, उनको कुछ दायित्व दिए जाने की संभावना है। निश्चित रूप से अगर उन्हें दायित्व दिया जाता है, संगठन निर्णय करता है, तो ये उनके अंदर मैंने देखा है कि बहुत काम करने की इच्छा है और ये इच्छा शक्ति का कई बार उनके साथ काम किया है। काफ़ी रात को 3 बजे भी जब कोरोना काल में तो पूछते थे खून करके कि ऑक्सीजन की कमी तो नहीं है, कोई और दिक्कत तो नहीं है, मुझे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से बात तो नहीं करनी है, मतलब इतना ख्याल रखना। तो निश्चित रूप से संगठन जो हमारा नेतृत्व राष्ट्रीय नेतृत्व जवाब दे देगा, तो उनके अंदर जब जो जज्बात हैं काम करने के, तो इससे आम लोगों को फायदा होगा। सर, ये मध्य प्रदेश के विकास के लिए कितना बेहतर होगा कि केंद्रीय मंत्री बनेंगे, कैबिनेट मंत्री का दर्जा, मध्य प्रदेश के विकास के लिए आप कितना महत्वपूर्ण? ये मध्य प्रदेश के लिए बड़ा शो अवसर है कि माननीय श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और भी केंद्र में हमारे मंत्री हैं और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी एक टीम बन करके इस प्रदेश के विकास का को जो चौराहा है विकास दिखेगा, आम लोगों को उसका फायदा मिलेगा। आप रवाना हो रहे हैं दिल्ली? जरूर जरूर। तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के विकास में एक बड़ा हम कह सकते हैं कि बेहतर रास्ता होगा और जब ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्र मंत्री बनेंगे, तमाम मंत्री दिल्ली रवाना हो रहे हैं।